स्वर्ण मंदिर मामले को लेकर गरमाई राजनीति। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। गोवा दौरे पर पीएम मोदी, लिबरेशन डे पर आयोजित कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कही अपशब्द, कहते हैं कुछ नहीं खाएंगे आपके यहाँ, बस नगद दे दीजिए। मुसहर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे मांझी। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, कांग्रेस की वीर ग्राम प्रणाम यात्रा जनरल बिपिन रावत और बीसी जोशी के गांव से होगी शुरुआत। 12 घंटे में सुलगी केरल की सियासत, अलापुझा में धारा 144 लागू। शनिवार को एसडीपीआई नेता केएस शान की गई थी जान। कोलकाता निगम चुनाव में घमासान, पोलिंग बूथ के बाहर फेंके गए बम, टीएमसी सीपीएम का एक दूसरे पर आरोप। संजय निषाद ने सीएम योगी को लिखा पत्र, बोले लोगों को आरक्षण मिलने की बात कहकर रैली में लाया था, वोट चाहिए तो मुझे हल करें। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए मतदान, राज्य में 10,812 पंचायतों के लिए वोटिंग प्रक्रिया जारी, 27,085 मतदान केंद्र बनाए गए। दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रोन को लेकर बैठक जारी, कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा होगी, राजधानी में 20 मामले आए सामने। जयपुर एयरपोर्ट पर 15 करोड़ की ड्रग की खेप पकड़ी, महिला यात्री को हिरासत में लिया, महिला से पूछताछ कर रही जांच टीम। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में सर्दी का सितम, 4.6 डिग्री पहुंचा पारा, 3 दिन तक दिल्ली में सर्द हवाएं चलने का अलर्ट। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में लश्कर का आतंकी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारत और मध्य एशियाई देशों की तीसरी वार्ता, विदेश मंत्री जयशंकर बोले अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध, चाहते हैं अधिकारों का संरक्षण। ओमिक्रोन की लहर से सहमा ब्रिटेन, लग सकता है 2 हफ्तों का लॉकडाउन, क्रिसमस के बाद 2 हफ्तों की हो सकती है पूर्णबंदी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अब फ्री नहीं होगा सफर, 65 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा चार्ज, 2 पहिया 3 पहिया वाहनों का किया जाएगा चालान। निजीकरण पर मोदी सरकार को जोर, पवन हंस का 3 महीने में होगा निजीकरण, सरकार के पास आई बोलियां। बीएफडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे श्रीकांत, सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को हराकर फाइनल में बनाई जगह, सिल्वर मेडल जीतना तय। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन, विजयी अभियान जारी रखने उतरेगी हॉकी टीम, आज जापान से होगा मुकाबला। मलाइका ने मनीष पॉल संग किया डांस, हवा में उड़ती जाए पर दिखा मलाइका का स्वैग, फैंस को पसंद आ रहा मलाइका का वीडियो। कैटरीना कैफ ने दिखाई अपनी मेहंदी, मालदीव से शेयर की फोटो, फैंस ढूंढ रहे विक्की का नाम।